अपोलॉजीज मायनो, जो आएगा ओह ये मैंने क्या कर दिया, बड़ी बहन हो कल को मेरी भी शादी होनी है। Hello everyone, so welcome to Professor's YouTube channel and welcome to new vlog. So आज finally हमारी head Mayo is a मैंने yellow color पहना हुआ है। हम already इतना late हो गए हैं, as usual होना ही होता है salon के लिए। मेरा और आपके का आज इकट्ठा salon है, ठीक है। फातिमा का अलग है, हिरा का अलग है, जैनब का भी अलग ही है। जैनब स्कूल से डायरेक्ट जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर आएगी मेरी मम्मा। मेरी मम्मा और बाबा जो है घर से आराम से आएंगे। मम्मा का भी सैलून है, मम्मा भी आ जाएंगी। यार बाहर इतनी धूप है फिर भी इतनी ठंड है, इसीलिए हमने हीटर ऑन किया हुआ है ताकि थोड़ा सा सुकून हो जाए। पापा को बोलते हैं हमें छोड़कर आए, या फिर ड्राइवर अंकल छोड़कर आएंगे मुझे और आपको, ठीक है। ये मेरा अंदर ड्रेस है, ये सब मेरी ज्वेलरी है, सब मेरी जूती है। सो ऑल सेट, नाउ लेट्स गो। और यार ये मुझे मेरे फ्रेंड की तरफ से आया है, सो थैंक यू सो मच जो ये चीजें भेजते। थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोगों के प्यार के लिए। इधर आप सब कुछ रख लिया मैंने। नहीं नहीं आज मैं कुछ नहीं भूलूंगी, मम्मा से ही चिल आराम से जाएंगे। हमें टाइम लगता था ज्यादा, मम्मा वैसे ही बहुत प्यारी है। आप भी मुझे कहा था वो लेट नहीं करेगी, खुद लेट। आप भी आ जाओ, ले वो ड्राइवर अंकल आ रहे हैं, जल्दी लेट हो रहे हैं। गाइस वाले कपड़े लेके जा रहे हैं, अंकल भी आ गए हैं, दूध वाले अंकल भी आ गए हैं, मम्मा दूध लेंगी। चले अंकल ये जरा इधर रखते हैं गाड़ी में, भागो रहा था, बहुत लेट हो गई, फिर से लेट पहुंचूंगी मुझे लगता है। ओके गाइस सो फाइनली सैलून पहुंच गए हैं। सो कर आया पूरे रास्ते में, सामान तो करते हैं ऊपर निकलते हैं। यार अभी तो अपना वॉश करवाने चली गई है, ठीक है। तो मेरा पहले मेकअप हो रहा है, मैंने इनको बोला कि मुझे फटाफट जल्दी से फ्री करें ताकि मैं पहले पहुंच जाऊँ आप ही सरवादा के अरेंजमेंट वगैरह देख लूँ। अब यहाँ पर हमारा मेकअप वगैरह होगा और आज मैंने बहुत ही मायो टाइप सिंपल से लुक रखनी है अपनी। वैसे यार कितना मजा आता अगर हम सारी बहनें एक लाइन में तैयार होती, लाइक एक उधर फातिमा बैठती, हीरा बैठती, मैं बैठती, अभी बैठती, ज़ारा बैठती और उधर मम्मा बैठती, कितना अलग अलग है ना सब, तो मज़ा नहीं आ रहा। इकट्ठे होते ना हमने इतना फन करना था ना साथ, बट कोई बात नहीं वहाँ जाकर करेंगे। आज इतना मजा आने वाला है, हमने वहाँ पे गेम्स खेलनी है, इतना कुछ करना है ना वो। अगर यार मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है, अभी मैं मेकअप वगैरह करवाने लगी हूँ, सो अभी देखते हैं क्या लुक निकलती है। सो दिस इज माई ड्रेस, अभी ये जब पूरा पहनूंगी तो बहुत प्यारा लगेगा, अभी से बहुत प्यारा लग रहा है यार। इधर आप के ऊपर भी सारे लोग आ गए हैं। अगर मैंने कैमरा जो है ना वो इधर सेट कर लिया है, तो अभी मैंने फिर से ऊपर हुडी पहन ली क्योंकि हमने वीडियो बनानी थी। अब आप का शूट हो रहा है, अब आप ही को मेरी हेल्प चाहिए। क्लास गेन के मुझे आइडिया मांग लिया, आइडिया मैंने अपने ऐसे कहता आप ही का ब्राइड हो ना आप, तो आप ये कर सकते हो, दुपट्टा आपने ऐसे लिया हुआ है ना, अब अपना जो दुपट्टा है ना उसको ऐसे लो और फिर उसके बाद उसको ये करके ना ये उठाओगी तो क्लास गेन हो जाएगी। सूट नहीं है अभी, सूट के बगैर वाली कहीं। अरे तो हाथ का इशारा करो, समझ आई, हाथ का इशारा इस तरह से कर सकते हो कि लाइक करो ये करो तो वो वहाँ पे दुपट्टा नहीं कि मेरे बालों पे लगाएंगी, बट मुझे डर लग रहा है कि मैं नहीं लगवाना क्योंकि निकाह पर इतना हैवी हो गया था। बट इस दफ़ा देखना ये अच्छा करेगी, इस दफ़ा मैं हाँ मुझ पे सूट करेगा। अब ये कह रही है इनके कहने पे लगवा लेती हूँ, फिर कोई मुझे बोले ना अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा। अंकल भी आए, इन्होंने अपने इस कैमरा में भी रिकॉर्ड करना है, तो फिर से ऐसा लग रहा है ट्रांजियंस बनानी है, मेकअप नहीं होगा मेरा जो लगाने हैं क्या। नहीं नहीं हाँ मैं ये सोचू मेरे बालों का फुल ब्लैक है वाला लगाना है। तो इधर आप ही का मेकअप स्टार्ट हो गया, अभी तक मेकअप स्टार्ट ही नहीं, मुझे लगता है ये लोग ने ना अभी मेरा करना ही नहीं। मेरा कब तक होगा मेकअप स्टार्ट? पहले स्टाइलिंग क्योंकि मुझे मेकअप की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप मेकअप ना करो, बस बाल बनाओ। अभी मेरे बाल कुछ इस हद तक पहुँचे हैं, पीछे ये बन गया है, आगे कर्ल्स चल रहे हैं, पता नहीं क्या बनेगा, मैं दिखाती हूँ बनकर। और गाइस सो बाल कुछ इस हद तक के हो गए हैं, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल चुटिया की जगह ना बंदा इसको ऐसे खोल कर ही रख ले, वो भी कितना अच्छा लग रहा है उसे चुटिया बनाए ना। कह रहे हमारा सैंडविच भी आ गया है, पर से सुबह मैं नाश्ता भी नहीं करके आई थी, चलते मेरी इतनी भूख लग रही है ना। ये सैंडविच ऐसे लग रहा है मम्मा ने घर से बना के भेजा है, घर वाला लग रहा है। यार ऑलमोस्ट मेरा जो हेयर स्टाइल है वो बन चुका है और ये बहुत प्यारा लगा, जब इयररिंग्स आएंगे साथ अभी मेकअप होगा फिर ये लुक निकलेगी। अभी खैर ये हम इसको कुछ कर रहे हैं, और बैक में हम क्या लगा रहे हैं, हम बैक पे एक एक्सेसरी लगा रहे हैं। अब मेकअप स्टार्ट हो गया, फाइनली बाल बन गए, बालों को काले को पीछे ना कर दें आएंगे मुंह पर। मेकअप स्टार्ट हो गया शुक्र है, मेरे एक साइड पे मेकअप हो रहा है, एक साइड पे नेल्स हो रहे हैं, नेल्स फातिमा को जाकर जो है ना जेलस करूंगी। ओके गाइस सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे अपनी आज की लुक
अच्छी लग रही है, दिल से अच्छी लग रही है। पहले कल वाली दिल से अच्छी लगी थी, अच्छी लगी थी, लेकिन ये अच्छी लग रही है, लेकिन अच्छी लग रही है। तो मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल सिंपल सा मैंने मेकअप किया है। इस बार मैंने लेंस भी नहीं लगाया, लैशेज बहुत छोटे छोटे लगाए हैं। आपको अपना फुल ड्रेस भी दिखाती हूँ। सो ये है मेरा फुल ड्रेस इस तरह से, ये वाओ। और आपकी का तो अभी हेयर स्टाइल बन चुका है, बट उसके भी नेल्स वगैरह हो रहे हैं। आप भी बहुत प्यारी लग रही है। ओके गाइस, सो फाइनली मेरा तो मेकअप डन हो गया, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले निकल जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाके सारी अरेंजमेंट वगैरह देखनी है, डेकोर क्या हो रहा है, कुछ किसी को पता नहीं, क्योंकि सारी बहनें तो सैलून है, तो मैं जाके कुछ देख लूँ। एंड ऑल्सो आपकी को भी टाइम है काफ़ी, तो मैं पहले ही निकल रही हूँ ड्राइवर के साथ। फिर जाके वहाँ दिखाती हूँ आपको क्या क्या डेकोर हो रहा है, क्या क्या होना है, बहुत सारी गेम्स होनी है, बहुत मजा आना है। ओके फाइनली मैं गाड़ी बैठ गया, अब निकलते हैं लोकेशन की तरफ और वहाँ जाकर देखते हैं क्या होने वाला है। लोकेशन पे पहुँच गए हैं, मैं वाहिद अकेली इंसान सबसे पहले आ रही हूँ, तो खुशी भी हो रही है कि चलो पहले सबसे आ गई हूँ। बट लेकिन इतना जल्दी रहा और पूरा वाओ, इतना प्यारा डेकोर हुआ है, वो देखे वो, मैं आपको जाके दिखाती हूँ। वैसे इतना बुरा, मैं वहाँ से ना जूती अपनी गाड़ी में ही भूल आई हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आप ही ने ना खुस्सों के स्टॉल लगाए थे, तो शायद वहाँ से मुझे मिल जाए जूती, कोई खुस्सा पहनती, वरना ये तो बहुत बुरी लग रही है यार। ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इधर मुझे दिखे पापा, पापा जी आप तो सबसे पहले आ गए हो, क्या पापा ने फुल शॉल दी, कहाँ से लिया इसमें, तो अब देखी है। वाह पापा की लुक तो सबसे अच्छी लग रही है, दोस्त को भी साथ मैचिंग करवाई है पापा। किसी ने कहा ना बगैर शॉल के ना जाए वहाँ पे, ना सर्दी बहुत होगी। हाँ छोटे मैंने रात को जब ठंड लगी मैंने आपसे शॉल लेनी है, ठीक है। पहले राधा नहीं था हमारा, ये हमने लास्ट टाइम पे प्लान चेंज किया हमने, दोनों ने मैचिंग की है। अगर आपको ठंड लगी तो मैं आधी दे सकता। नहीं मैं आपसे पूरी ले लूंगी, आपको तो नहीं लगती, ऐसे बैठ जाना, ठीक है साथ बैठ। इधर ये पूरा डेकोर अच्छा हुआ है, वाओ ये तो मुझे ना वो लग रहा है कलर डे टाइप। तो अभी मैं क्या करूँ, मुझे जूतों के साथ समझ आया शूट क्या करवाऊँ, तो खैर हम पहले कुछ पिक्चर्स वगैरह इतनी इतनी बनवा लेते हैं जूतों के बगैर, फिर देखते हैं क्या करना। लोकेशन मिली है एक DDLJ की, तुझे देखा कितने प्यारे सरसों के खेत हैं, ये इधर शूट करूंगी मैं। यार अभी सीन कुछ है, मुझे एक घंटा हो गया है बट स्टिल यहाँ पे भाई जी काम चल रहा है। अंकल कैसे, 2 बजे का टाइम था अभी तक डेकोर ही नहीं हुआ। अंकल को देखो ऊपर डेकोर करने में बिजी है माशाल्लाह से। 2 बजे के गेस्ट सारे हमारे मेहमान वगैरह आ चुके हैं, अभी डेकोर ही हो रहा है, अभी सामान जुड़ रहा है, अभी सेटअप ही नहीं सही तरह से लगा, और मेरी अपनी ब्राइड बहन है कोई भी नहीं आया और गेस्ट आना शुरू हो गए। ये नतीजा होता है लेट आने का शादियों में, सबसे पहले मैं आई हूँ आगे, और आपकी के साथ मेरा खुस्सा भी आ गया, तो मैं फाइनली खुस्सा पहनूंगी और ये स्लीपर्स उतारूंगी। फाइनली यार मेरा खुस्सा जिसकी मुझे तलाश थी मिल गया है। और गाइस तो अभी मेरी कोई बहन भी नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे अंकल ने मुझे गजरे दिए थे, मैंने सारी एक इस टोकरी में डाल दी है, बाकी 2 रह गए हैं, 2 मैं खुद पहन लूंगी, मैंने इस टोकरी में डाल दी सब में, जो आएगा ये मैंने क्या कर दिया, उनकी सारी शीट खराब कर, 2 गजरे बाकी मैं पहन लूंगी दुल्हन की बहन। यार कोई आ नहीं रहा, मैं सोचू अपना शूट ही करवा लेती हूँ तब तक, वैसे मैंने आज करवा रहा नहीं था लेकिन फिर भी करवा रही हूँ। आपी ने खुद से और गजरे अरेंज करवाए थे, मैं गाड़ी से लेने जा रही हूँ, वो डब्बों में आपी ने खुद से अरेंज करवाए हैं कि जो भी आएगा आकर वो खुद सा पहने, जो कि मैंने अभी पहने हुए हैं, तो वो पहनेगा साथ चूड़ियाँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्राइड ब्राइड्स मेड, ठीक है। इधर शूट हो रहा है, ओह वाओ, हेलो हेलो कूल अंकल्स, नहीं एक लड़का एक अंकल, फिर मुझे डांट पिटनी थी। फिर हम लोग गाड़ी से डब्बे निकालते हैं, क्योंकि जब तक मेरी बहनें नहीं आ रही मैं सारा इंतजाम कर लूँ, क्योंकि मैं भी एक बड़ी बहन हूँ और कल को मेरी भी शादी होनी है, तो मैं भी ठीक ठाक। डब्बे मिल गए, बैंगल्स हैं अंदर ही है, रुक जाए मैं निकाल भेजती हूँ। लड़के वाले भी आ चुके हैं उधर हमारे, खैर लड़के वाले हैं ना ये, नहीं ये तो लड़के वाले नहीं है, अरे बस मेरे फैंस है शायद। अरे भाई अच्छा उधर आ गए हुए, ओ अच्छा ज़ैनब कितनी दोस्त से आई हैं, सारी ज़ैनब की फ्रेंड्स हो, ओ वाओ हेलो गाइस, मैं ज़ैनब की बड़ी सिस्टर, तुम लोग तो जानते हो मुझे, हेलो, बहुत प्यारे लग रहे हो सारे, बहुत प्यारे लग रहे हो, उसको तो मैं जानती हूँ, उसको नहीं मैं जानती, बहुत प्यारी लग रही हो, वो मेरी बहन है। अच्छा हेलो कैसी हो, एंजॉय करो, ज़ैनब अभी नहीं आई, तैयार हो रही है पार्लर में, पता नहीं अपनी तरफ से इतना लेट आए, उसने जाना खुद, वो पता है स्कूल से 1:30 फ्री हुई है, 1 बजे फ्री हुई है और पार्लर बैठे मेकअप करवा रही है, तुम लोग बैठो जाके मैं आती हूँ, चलो। हाँ ये डब्बों में है ना दिखाए, इसमें वो है ना, ये पकड़ लें, बैंगल्स वाला था, ये था बैंगल्स वाला, रुके ये है शायद इसमें बैंगल्स, ये इसमें आपकी का उपटन है, ये पकड़ने ये बर्तन ही पकड़ने, अभी फड़ो ये पकड़ने, अभी हाँ जी ये देखें ये रहे बैंगल, अंकल को अंकल कह रहे बैंगल्स नहीं है, बैंगल नहीं बंद कर दे भाई, ये उपटन वाला डब्बा है, तो उपटन वाला डब्बा भी निकाल रहे थे, वो भी उधर जोड़ना है उपटन भी, अजय आसमान फाड़ लिया होने से टेबल पे जाके जोड़ेंगे, और फिर सारी तैयारियां कर रही, देखो बड़ी बहन होने की निभा रही हूँ मैं, आप भी अपना शूट करवाने गई हुई हरी भाई के साथ, आते साथ आप भी हरी भाई गए शूट करवाने, शूट ब्लू येलो कपड़े पहन के, माइयो पे कैसे गाने लगे हुए हैं, डीजे वाले की जगह क्लास देती हूँ मैं, यहाँ पे अब हमारे खुद से जुड़े हैं सारे अंकल, ये जो गजरे है ना ये भी एक साइड पे जोड़ दे, जो आए पकड़ ले, ये गजरे अंदर से साइड पे जो है, जो पकड़े वो पकड़ता जाए, तो ये हमारे खुद से जुड़ेंगे, ये चूड़ियाँ हैं, ये 2 चूड़ियाँ मुझे दे दे, फिर आप ऐसा करें,
पहले पहनूंगी। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, पूरा लग गया। और इनके ऊपर लिखा हुआ है ब्राइड्स मेड और इस पे लिखा हुआ हैप्पी ब्राइड। और ये गजरे जुड़ गए हैं वो सारी खुद से, और ये सबको गिव अवे के तौर पे मिलेंगे। गर्ल्स को मेरे साथ पिक्चर खींचनी है, ब्लॉग बना लेते हैं ब्लॉग के लिए। वाले बाबू गाना लगा दो, गाना कल थोड़े पंजाबी गाने लगाए गिद्दे वाले, वो रही है सौदा खड़ा खड़ा वो लगाना, ठीक है। मैं गाने में डीजे भी संभाल रही हूँ, आखिर छोटी बहन हूँ, काम करना मेरा फर्ज बनता है। बाद में आते साथ शूट करवाने लग गई है गाइस, ये जो गाना मैंने अंकल को बोला था ऐसे गाने लगने चाहिए ढोल की शोल की, सॉरी माइयों पे गाइस, एस्ट्रोलॉजी माइयों। हेलो जीजा जी, कैसे हैं? आपके फेवरेट साली इधर है, आदाब। तो फुल येलो 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 येलो, आप भी येलो क्यों नहीं पहना, आपने ब्लू को देखो, मुझे पता है फुल कॉम्बो की है ब्लू से। किससे मैच की है ये? मैंने रीप भाई की, मैं साली हूँ इसलिए मैंने मैच किया। मैच करवाया है। और जो पिंक है फिर वो किसका है? कौन सा पिंक? ब्राइट गर्ल यूनिवर्सल है, वो सबके साथ हो सकता है, सबके साथ हो सकता है वो। देखो तो मैं डेकोर में नहीं दिख रहा ब्लू। हाँ चलो गाइस एंजॉय करें आप भी। थैंक यू, आपको भी मैं पूरे गिराऊंगी, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। वो उपटम चुपटम जो भी है सारा गिराना है, देखना सारा कुछ खराब करूंगी मैं। इतने क्यूट लग रहे हैं, इनके पीछे देखे क्या लिखा हुआ है, मुझे पढ़ने दो जरा। लिखा हुआ है मामू की शादी, स्पेशल कस्टमाइज कुर्ते बनवाया बच्चों ने, ये बच्चों का देख लो मामू की शादी। इतनी मुश्किल से मैंने पापा को पकड़ लिया, पापा मेरे हाथ ही नहीं लग रहे थे, पता नहीं इतने मेहमानों में बिजी, सबसे ज्यादा बिजी तो आज पापा, ऐसे लग रहा है पापा ब्राइड है। तो क्या पापा के साथ मैं पिक्चर लेने जा रही हूँ। कूल पोस्ट पापा जी, कूल डैड मतलब यो यो। मम्मा और ज़ैनब और हीरा कहाँ पर है गाइस? माइयों खत्म हो गई और वो लोग स्टिल अभी तक नहीं आए हैं, समझ नहीं आ रही कहाँ है वो लोग। फाइनली जिसका सबको इंतजार था ज़ैनब वन एंड ओनली आ गई है। ज़ैनब इतना लेट आई है कि इवेंट खत्म होने को आगे बल्कि मजा गई, भी स्टार्ट ही नहीं हुआ इवेंट तो। आपकी सारी फ्रेंड्स आ चुकी हैं बेटा, आप कहाँ थी, कहाँ हो आप? की दो अदद बेस्ट फ्रेंड्स जिन्होंने राज किया हुआ है, बेस्ट फ्रेंड्स बनी हुई है ज़ैनब की, दोनों आ चुकी हैं। बहुत प्रीटी लग रही हो दोनों, आ जाओ। इस मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा फुल माई आउटफिट। थैंक यू गाइस, चलो दोस्तों का क्या मीटअप हो रहा है। सारे लोग मुझे घूर के देख रहे हैं, डोंट ओवर रिएक्ट प्लीज। अंकल खाने में क्या क्या है? ओ बहुत दही बल्ले, पापड़ी चाट मेरा फेवरेट, गोल गप्पे, और ये के लड्डू पीढ़ियाँ, वाह फुल देसी फूड। और ये क्या है? भटूरे। फूड फुल ट्रेडिशनल टाइप है, ट्रेडिशनल नहीं मेरा मतलब यो टाइप फूड है। बोले यो सारे मिलकर, बोले यो। मम्मा पापा का मीटअप गाइस, फाइनली फाइनली मम्मा मिल गए हैं। मिल लिया बस करे। क्या हुआ? मिले? ओ माशाल्लाह, वाओ। फाइनली हीरा भी आ गई है, शुक्र अल्लाह का। वो आ रही है चमकनी। फाइनली मेरी फ्रेंड्स आ गई हैं। हेलो, बहुत प्यारी लग रही है गाइस। मम्मा इधर वादियों की आबशारों में पत्थर पे खड़े होके शूट करा रही है। लोग इधर जाकर तैयार हो रही हूं, ठीक है? लाओ मम्मा का दुपट्टा। ओके 1 2 3 स्टार्ट। वाओ व्हाट अ पोल ब्रो, वाओ। इधर यार फैमिली फोटो हो रही है। ओके यार मम्मा ने पहले शूट करवा लिया, मम्मा का लहंगा देने पे गिर जाऊंगी। मम्मा ने आज ना दुल्हन को भी क्रॉस किया, मैं सबको बताना चाहती हूँ, हमारे दुल्हन को भी क्रॉस कर दिया। लहंगे पहने ना मुझे चलाने जा रहा था, फिर मैंने कहा कॉन्फिडेंस पैदा करो जरा, आराम आराम से चलो। गाइस ये सारी मेरी फ्रेंड्स को मैंने बोला है कि यहाँ से सारा ही सामान ले लें, स्पेशली उनके लिए रखी है जो हील्स पहन के इनके पांव टूट जाए। हाँ गाइस पूरे आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये दोनों चुराने लगे हुए पूरे आ रहे हैं। बस सही है, ले लो अपने वाले गाड़ी में रख लो, ये वाले चलो बस जाए। रोमा जूते ले लो,
फ्री माइयों करने लगे हैं, मतलब कि जो हल्दी जो मेन चीज है वो ही नहीं हमें मतलब करना होगा। उपटन बनाएंगे मिलकर आप ही के लिए स्पेशल, ये इनमें मिलाकर ये हमने उपटन बनाना है। ओके गाइस, सो फाइनली इट्स टाइम फॉर उपटन, जो मेन चीज होती है वो हमने अब लगानी है। क्या हुआ, क्या करना है अब आप ही को, हमने उपटन लगाना है। ये सबसे पहले मम्मा को ना लगा दूं मैं। ओके प्रिटी मम्मा, ये बड़ा मेरी, चलो मैं भी लगा लेती हूँ, यहाँ पे भी लगा लेती हूँ, यहाँ पे भी लगा लेती हूँ। ओके मैंने भी लगा लिया, तो कोई लुक होती है यार। सभी पहले आप ही को, आप ही उपटन लगवा लो। आए गाइस, पहले मैं लगाऊंगी अरीफ भाई और आप ही को हल्दी, आराम से प्यार से लगाऊंगी। मैं लड़के को उनकी स्किन नीट लग रही है, उनको लगाऊंगी पहले। प्लीज आप ले यार, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज। वाह गुड वर्क। और गाइस फाइनली खाना खुल गया, अभी खाना डालकर लाती हूँ और कुछ मजेदार सा खाते हैं। आज देखते हैं खाने में क्या क्या भटूरे हैं। भटूरे भी है ना अंकल, मुझे प्लेट ही बना दें एक अच्छी सी। भटूरे निकालते हैं प्लेट में और क्या क्या, उधर चने हैं, चावल भी हैं, बिरयानी भी है, बहुत कुछ है गाइस। आओ देखते हैं जाकर खाना पीना शुरू, क्या क्या खाने में। ओ गुलाब जामुन भी है, चावल भी है, ये भी है, वो भी है, जो भी है। ओके एक प्लेट में हम चने डाल लेते हैं, मैं रख के आती हूँ, आप देते जाएं ठीक है, मैं एक एक करके रख कर आती हूँ। और गाइस फाइनली ड्रम सर्कल स्टार्ट हो गए, मेरे छोटा वाला बजाऊंगा, मेरे हाथ का भी छोटे हैं। चलो गाइस सब बजाओ, 1 2 3 स्टार्ट। यार ये किसी को सही बजाना नहीं आ रहा, एक साथ बजाओ, कोई सही नहीं बजा रहा। गाइस आज मम्मा भी भंगड़ा डालेंगी, मम्मा के इधर अपना कोई गाने चले, मम्मा के इधर अपना भंगड़ा चल रहा है। वाह गर्ल्स की पिक्चर स्टार्ट हो गई हैं और हम लोग अब इवेंट पूरा डिशुम डिशुम खत्म हो गया, अब घर की तरफ निकलते हैं। मेरी ग्लासेस गिर गई यार, पकड़ाना। चलो यार पिक्चर खिंचवाते हैं। तो ये अब हम लोग का अलविदा, ये तो हमारे घर ही जा रही है, इनको बाय बोलते हैं। बाय, बहुत मजा आया। तुम ये कह नहीं रही होगी? नहीं यार, आप ही दिल में, आप हमेशा हो मेरे लिए, दिल में हमेशा हो। नहीं मैं सॉरी बाय बोलना नहीं था, मैं कह रही हूँ अब जा रहे हो तो बाय बाय। ओके मुलाकात होती है, चलो। ओके यार सब निकल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि इवेंट हो गया है खत्म, बट अभी तो गाइस ये शुरुआत है, अभी आना है मेहंदी बरात वलीमा, वो मेन जो इवेंट है ना उनका और ही होगा, उन पर आप मेरी और भी अच्छी अच्छी लुक देखेंगे। मुझे पता है आज मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था, इंशाल्लाह आगे अगले इवेंट पे भी ऐसे ही अच्छा लगेगा। बस आप लोग मुझे ऐसे प्यार करते रहो और घर जाके फिर आपको मिलती हूँ कि सब घर पे गेस्ट आ रहे होंगे तो देखते हैं घर जाकर। गाइस मैंने जल्दी घर पहुँचा तो मैं ये बड़ी गड्डी बैठने लगी हूँ। ओए देख जरा चोरी की हुई पोटलियाँ, आ जाओ मम्मा जी आ जाओ। चलो यार अब मिलते हैं आपसे हम घर जाकर, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओए गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए, ओ मेरा प्यारा घर, आई मिस्ड यू। चलो यार चलते हैं घर जाकर ब्रश करते हैं, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं रही अब घूमने घूमने की। ओए गाइस मैं करने लगी हूँ चेंज और सोने लगी हूँ और गला मेरा बहुत खराब हो रहा है। सो होप सो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।